सब्सक्राइब कीजिए कुक विद स्मृति चैनल को, ये बिल्कुल फ्री है, और बेल बटन पे क्लिक कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुक विद स्मृति। मैं हूं आपकी दोस्त स्मृति, और दोस्तों आज बनाने वाले हम एक बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी। पर रेसिपी शुरू करने से पहले, जो दोस्त आप मुझे पहली बार देख रहे हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और दोस्तों करिए वादा आप मेरे साथ कि अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए चलते हैं किचन में। दोस्तों आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ भिंडी की एक बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी। ये बिल्कुल सिंपल भिंडी रेसिपी है, क्योंकि चैनल पे बहुत बार रिक्वेस्ट आती है कि आप बिगनर्स के लिए भी रेसिपीज बताएं, या बिल्कुल ऐसी क्विक रेसिपीज जो फटाफट सुबह जल्दी से टिफिन के लिए बनाई जा सके, जिनमें ज्यादा इंग्रेडिएंट्स की जरूरत न पड़े। तो इससे पहले भी मैंने आपके लिए दो भिंडी रेसिपी शेयर की है, एक राजस्थानी भिंडी और एक दही मसाला भिंडी। दोनों का लिंक आप डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन के पहले कमेंट में देख सकते हो। पर आज जो हम आपके साथ भिंडी रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं वो सबसे आसान और सिंपल और क्विक वर्जन है इसका। और साथ ही साथ मैं इसमें आपको बताऊंगी कि आप क्या ध्यान रखिए कि आपकी भिंडी कभी भी चिपचिपी ना बने। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज इस सिंपल और क्विक भिंडी की रेसिपी को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 250 ग्राम भिंडी ले ली है। इसको मैंने धोकर अच्छे से सुखा लिया था, और उसके बाद मैंने इसको छोटे पीसेस में इस तरह से काट लिया है। दो प्याज यहाँ पे मैंने बारीक चॉप करके ले लिए हैं, दो हरी मिर्च मैंने बारीक चॉप करके ली है, और इसके अलावा मैंने एक चम्मच लिया है नींबू का रस। नींबू का रस डालने से हमारी भिंडी चिपकती भी नहीं है, और साथ ही साथ इसमें स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। इसके बाद हमें यहाँ पे कुछ मसाले चाहिए होंगे। तो मसालों में सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया हुआ है आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा, दो से तीन चुटकी मैंने यहाँ पे हींग का पाउडर लिया है, आधी छोटी चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है, और नमक हम लेंगे स्वाद के हिसाब से। और इसके अलावा दोस्तों हमें यहाँ पे चाहिए कुकिंग ऑयल। मैं यहाँ पे सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ, हमेशा ही सब्जी बनाने के लिए मैं सरसों का तेल इस्तेमाल करती हूँ। आपके पास जो भी कुकिंग ऑयल है आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो भिंडी की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई मैंने रख ली है गैस पे, इसको हम गर्म करेंगे, और इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। करीब दो तीन चम्मच मैं यहाँ पे तेल डाल रही हूँ, और नॉन स्टिक कढ़ाई में आप चाहो तो कम भी डाल सकते हो, पर भिंडी की सब्जी में थोड़ा सा तेल की मात्रा ठीक रखनी चाहिए ताकि वो चिपके ना, और पकाते वक्त आपको पानी ना डालना पड़े, क्योंकि अगर आप पानी के छींटे ज्यादा देंगे तो भिंडी चिपचिपी हो जाएगी। सबसे पहले तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो दोस्तों तेल गर्म हो गया है, सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे जीरा। जीरा हमारा कुछ सेकेंड में हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया, आप डाल देंगे हींग। इसके बाद हमें डालना है कटा हुआ प्याज, मैंने यहाँ पे प्याज को छोटे टुकड़ों में काट कर लिया है। अगर आप भिंडी में लंबा लंबा प्याज पसंद करते हैं तो आप इसको लंबा भी काट सकते हैं, ये टोटली आपकी पसंद पर है। तो करीब दो मिनट बाद प्याज जो है वो हल्का सा सुनहरा होने लगा है। इस टाइम पर हम डालेंगे अपने मसाले। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, और नमक भी मैं डाल दूंगी क्योंकि मुझे अंदाज़ा है। अगर आपको नमक का अंदाज़ा नहीं है तो जब पूरा आप भिंडी डाल दें उसके बाद जितनी क्वांटिटी उसको देख कर नमक डालें। मिला देंगे, और करीब 30 सेकंड के लिए हम इसको भून लेंगे। मसालों को भी हम अच्छे से भून लेंगे प्याज के साथ। अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च, और जो भिंडी हमने काट कर रखी है वो मिला देंगे सभी को अच्छे से। गैस को हमने अब कम कर लिया है क्योंकि भिंडी में हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना होता, तो बिल्कुल हम कम गैस पे बनाएंगे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपकी भिंडी चिपचिपी ना बने, इसके लिए हमेशा ध्यान रखिए कि भिंडी को धोने के बाद आप थोड़ी देर के लिए रख लीजिए ताकि वो ऊपर से गीली ना रहे, सूख सी जाए। अगर आपकी भिंडी थोड़ी सूख जाएगी और फिर आप उसको बनाते हो, मतलब कि उस पर पानी नहीं होगा, तो जब आप बनाओगे वो चिपचिपी नहीं बनेगी, अच्छी क्रंची बनेगी, कुरकुरी लगेगी। और दूसरी बात, बनाते वक्त आप बिल्कुल धीमी गैस पे बनाएं ताकि आपको बिल्कुल भी पानी डालने की ज़रूरत ना पड़े, और आपकी भिंडी बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं होगी। गैस को मैंने बिल्कुल कम कर दिया है, और इस वक्त हाथ में इस तरह से मैं दो तीन बूंद पानी लेके इस पर डाल दूंगी, और तुरंत ही हम इसको ढक देंगे। क्योंकि हम नॉन स्टिक कढ़ाई में बना रहे हैं ये नहीं चिपकेगी, अगर आप रेगुलर कढ़ाई में भी बना रहे हो तो भी आप तुरंत ही इसको ढक दें दो तीन बूंद पानी डालने के बाद, तो जो हल्की सी स्टीम बनेगी और जो भिंडी का भी अभी नमी से स्टीम बनेगी उसी में आपकी भिंडी पक जाएगी। इसको करीब हम दो मिनट के लिए पकाएंगे। आप बीच में एक बार जरूर चलाएं भिंडी को ताकि वो चिपक ना जाए, क्योंकि सब्जी में पानी नहीं है। और एक बात का खास ख्याल रखें, जब भी आप भिंडी पलटते हैं तो बहुत हल्के हाथ से चलाएं, बार बार बहुत ज्यादा नहीं चलाएं, अदरवाइज भिंडी टूट जाती है और बीज बाहर आ जाते हैं, जो खाते वक्त भी अच्छे स्वाद नहीं देते और भिंडी की सब्जी आपकी देखने में भी अच्छी नहीं लगेगी। तो करीब दो मिनट हो गए, अब हम इसको खोल कर देख लेते हैं। चला लेंगे भिंडी को एक बार।
और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा नहीं चलाना है, तो मैंने एक बार इसको हल्के हाथ से पलट दिया है। भिंडी लगभग पक गई है, कुछ देर और पकाएंगे। मैं इसको ढक देती हूँ, हमें बस एक मिनट और पकाना है और इतने में हमारी भिंडी रेडी हो जाएगी। तो करीब एक डेढ़ मिनट बाद हम इसको फिर से खोल के चेक कर लेते हैं और आप देख सकते हो कि भिंडी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है इस टाइम पर, और प्याज और भिंडी जो है वो सभी अच्छे से बन गए हैं। अगर आपको अंदाज़ा नहीं है ये जानने का कि ये पकी है या नहीं, तो किसी भी एक भिंडी से आप बीज निकालिए, दबा के देखिए, या भिंडी को भी दबा के देखिए। अगर बीज आपका बहुत ही आसानी से दब जाता है तो इसका मतलब है कि आपकी भिंडी पक चुकी है। अब हम कर देंगे गैस को बंद और इस टाइम पर इसमें मिला देंगे एक चम्मच जो हमने नींबू का रस लेके रखा है वो, और उसके साथ ही हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। तो लीजिए दोस्तों, हमारी गर्मा गर्म फटाफट से भिंडी की सब्जी बनके रेडी हो गई है। इसको आप पूरी पराठा किसी के साथ भी सर्व करें, इसे आप टिफिन में भी दे सकते हैं क्योंकि एक सूखी सब्जी है। और आई एम श्योर आज की टिप्स आपको जरूर पसंद आई होगी। तो करारी कुरकुरी इस तरह की बिल्कुल खिली खिली भिंडी बनाने के लिए याद रखिये की भिंडी काटने से पहले सूख जाए, गीली गीली ना रहे, और दूसरा आप बनाते वक्त बहुत ज्यादा इनको अलटिए पलटिए मत और एकदम धीमी गैस पे पकाइए। और आपने देखा दोस्तों की हमने इसमें पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी हमारी भिंडी कितने अच्छे से पक गई है और इसी कारण ये बिल्कुल चिपचिपी नहीं हुई है। तो आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो के नीचे का लाइक बटन हिट कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।